केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 25 दिनों से ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वो 25 से 27 दिसंबर के बीच हरियाणा में राजमार्गों पर टोल वसूली को रोकेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सभी विरोध प्रदर्शन स्थलों पर किसान सोमवार को एक दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल पर चले गए। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे। उन्होंने लोगों से एक दिन के लिए दोपहर का भोजन नहीं पकाने का अनुरोध किया है। टिकैत ने कहा, जब तक बिल वापस नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहां से नहीं जाएंगे। 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर किसान आपसे कह रहे हैं कि एक समय का भोजन ग्रहण न करें और किसान आंदोलन को याद रखें। भारतीय किसान संघ के नेता जगजीत सिंह डालेवाला ने कहा कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री के मन की बात के दौरान हम लोगों से अपील करते हैं कि जब तक कार्यक्रम चले तब तक अपने घर पर ही रहकर थाली बजाएं। बता दें कि दिल्ली से सटे सिंगू, टिकरी, चिल्ला, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन जगहों पर हजारों किसान जमे हुए हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकला है। किसानों का कहना है कि वो नए कृषि कानूनों के रद्द होने तक प्रदर्शन करते रहेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार में मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा है कि किसानों को नए कानून को लेकर भ्रमित किया जा रहा है। इसे लेकर बीते दिनों कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को खुला खत भी लिखा था, जिसमें किसानों को कानून की बातों को समझाया गया था और उन्हें कुछ बिंदुओं पर आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन किसान अब तक केंद्र के प्रस्तावों को खारिज करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।